परसेंटेज है वो अपने दर्शकों के लिए बता देते हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान जारी है। उपचुनाव का मतदान चल रहा है, शाम 4 बजे तक मतदान जारी है। 1 बजे तक दोनों सीटों पर कुल 37.92% वोटिंग हुई है और ऐसे में तारापुर में अब तक 39% मतदान हुए हैं। कुशेश्वर स्थान की बात कर ले तो कुशेश्वर स्थान में 36.55% मतदान हुए हैं। मतदान केंद्रों पर पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए, प्रशासन वहां पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट है। प्रशासन वहां पे अधिकारी और जितने भी आला अधिकारी हैं सब मौजूद है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव के मतदान जारी है। 1 बजे तक दोनों सीटों पर कुल 37.92% वोटिंग हुई है और ऐसे में तारापुर में अब तक 39% मतदान हुए हैं। कुशेश्वर स्थान में अब तक 36.55% मतदान हुए हैं। महिला मतदाताओं की जो भागीदारी है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। पुरुष मतदाताओं के मुकाबले सुबह से ही महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तमाम मतदान केंद्रों में महिलाओं की भागीदारी काफी अच्छी है। पुरुष मतदाताओं की भागीदारी भी काफी अच्छी है, लेकिन महिला आगे है। तो मतदान को लेकर जनता भी काफी उत्साहित। दोनों विधानसभा क्षेत्र कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर जितने भी मतदाता हैं वो खुशी खुशी अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो मतदान केंद्र है दोनों विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर प्रशासन भी मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो सके या फिर विपक्ष या सत्ता पक्ष के कोई भी नेता गड़बड़ी का आरोप भी ना लगा सके। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए थे कि मतदाता मतदान में गड़बड़ी हो सकती है और ऐसे में चुनाव आयोग और ज्यादा अलर्ट हो चुका है किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। ऐसे में हम आपको लगातार पटना के निर्वाचन आयोग की भी स्थिति वहां का नजारा आपको दिखा रहे हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, तमाम मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आला अधिकारी वहां मौजूद हैं और निगरानी की जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है तमाम मतदान केंद्रों पर। चुनाव जारी है, उपचुनाव का मतदान जारी है। शाम 4 बजे तक ये मतदान होने वाले, सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट की है। ऐसे में शाम 4 बजे तक मतदान जारी है। धीरे धीरे जो अब मतदाताओं की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुशेश्वर स्थान में 36.55% वोटिंग हुए हैं तो मुंगेर के तारापुर की बात कर ले, मुंगेर के तारापुर में भी वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा है। सुबह की तुलना में जो तारापुर की वोटिंग प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी हुई है। मुंगेर के तारापुर में लगातार लोग आ रहे हैं, मतदाता आ रहे हैं और मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पंचायत है, प्रखंड है और देखिए किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके की है, क्योंकि देखिए काफी शांत नजर आ रहा है, काफी अंदर भी है ये पंचायत गांव से। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर अब जो मतदान है वो शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से आपको तमाम जगहों की हमने तस्वीरें दिखाई हैं और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ का माहौल है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। क्योंकि जो सुरक्षा को लेकर कई बार बातें सामने आ रही थी और वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के कितने पुख्ते इंतजाम किए हुए हैं। तमाम जो जो मतदाता आ रहे हैं अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और दो सीटों पर बाई इलेक्शन है, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुशेश्वर स्थान की जहाँ पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। और ये तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके का पुलिस बल है, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। कहीं भी आप देख सकते हैं कि दिक्कतें नहीं है, इस बार काफ़ी शांत तरीके से चुनाव हो रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने कई बार ये बातें कही हैं कि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें धांधली हो सकती है, तो मैं हर चीज़ पर नज़र रखूंगा। और ऐसे में आप देख लीजिए कि बिहार में जब चुनाव शुरू हो गए हैं, बाई इलेक्शन शुरू हो गए हैं, तो किस तरीके की तस्वीर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कुशेश्वर स्थान की है। बिरौल जो प्रखंड है वो आप देख रहे हैं, उत्तरी बिरौल प्रखंड है और यहाँ पर शुरू हो गया है मतदान। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है और देखिए जितने भी लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और
किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि लोगों को बताया भी जा रहा है कि कहां पर मतों का यूज़ करना है, किस तरीके से आना है, हर चीज़ों की जो कहा जा सकता है चेकिंग है वो खुद की जा रही है। सुरक्षा बल भी आप देख सकते हैं किस तरीके के हैं कि तमाम कमांडेंट जो हैं बीएमपी के, चाहे सीएसएफ के या बिहार पुलिस के भी जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें बिरौल की हैं, दरभंगा की है। देखिए किस तरीके से जो पदाधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं लगातार। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ये अलग इस बार बनाया गया है, महिला हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, मतदान सहायता डेस्क बनाया गया है। देखिए ये मतदान सहायता डेस्क है और यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कतें अगर आती हैं मतदाताओं को तो यहाँ आराम से आके पूछा जा सकता है, क्योंकि किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो मतदाताओं को, इसका खासा ख्याल इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा रखा गया है। और देखिए दो सीटों पर जो बाई इलेक्शन है उसको लेकर तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी की गई है बिहार सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। और अब चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है।